हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। आज हम यही देखेंगे इसमें, ठीक है। ग्रेडियंट को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है, एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई भी एक रीजन है, ये हमारे पास रीजन है। अब इस रीजन में मैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है और वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज दे, मान लो इस पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू F1 आई है, इस पे F2 आई है, इस पे F3 आई है, तो एक ही रीजन में जब अलग अलग पॉइंट्स पे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग आए तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट फंक्शन, ठीक है। पॉइंट फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन और एक स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्केलर पॉइंट फंक्शन देखते हैं क्या है। स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसमें मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, ये गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब मुझे कुछ इसमें ऑब्जर्व करना है कि मुझे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर देखना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर देखना है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, एक टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और आएगी और इस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और आएगी, तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, तो ये क्या है, एक रीजन है, रीजन है। तो इस रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे एक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या है, स्केलर है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। दूसरी, दूसरा क्या है, दूसरा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, मान लो हमारे पास इस तरह से वाटर यहां से फ्लो हो रहा है। अब देखो आप लोगों को पता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप किसी एक कैनाल वगैरह में देखे कि जैसे उसमें पानी चलता है तो कुछ इस तरह से चलता है कि उसकी वेलोसिटी बीच में सबसे ज़्यादा होती है और साइड्स पे उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो ये पूरा क्या है, हमारे पास एक रीजन है, किसी स्पेस का रीजन है। तो इस रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे अगर मैं वेलोसिटी यहाँ पे देखूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखना चाह रहा हूँ सपोज V1 है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखना चाह रहा हूँ सपोज V2 है, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि V1 और V2 की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, ठीक है, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, और रीजन ऑफ स्पेस ये है, और इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है, तो ये फंक्शन जो कहलाएगा ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एकदम से हम जंप करते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से पहले हम एक चीज देख लेते हैं सिंबल को। जैसे ये सिंबल हम दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, और इसको एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम है डेल, स्मॉल में, ठीक है ना, डेल, DEL। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको, देखो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं कि हम जो टॉपिक हम ले रहे हैं अपना ग्रेडियंट, वो होता क्या है, व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट, ठीक है। सपोज वी हैव अ फंक्शन, स्केलर फंक्शन फाई, और ये एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई पे डिपेंडेंट है, जेड पे डिपेंडेंट है, और एक्स वाई जेड जो है वो टी, एक कोई वेरिएबल है टी, उस पे डिपेंडेंट है,
अभी सिर्फ मानो इतना, ठीक है, इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब अगर मैं लिख रहा हूं कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई फाई मेरे पास स्केलर फंक्शन है, तो उसको इस तरह से दर्शाते हैं, ग्रेड ऑफ फाई या फिर डेल ऑफ फाई। तो ये एक्सप्रेशन में रखने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप, और डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिख रहा है हमें आई जे के कैप आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो देख लिया, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, ये डेल फाई जो हम लिख रहे हैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। अगर फिजिकल मीनिंग नहीं पता होगा किसी चीज का तो उसका फायदा नहीं है पढ़ने का फिर, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग के लिए हम थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर देते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक सिस्टम है, एक्स वाई जेड सिस्टम है हमारे पास ये, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, कोई बात नहीं, लेकिन देख लेते हैं इसको ही। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक, मैं एक कर्व ले रहा हूँ, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये जो मैंने फाई ये लिया है, फाई एक्स वाई जेड, ये इस प्लेन की इक्वेशन है और ये प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन है, और ये इस प्लेन की इक्वेशन है जो मैंने लिख दी है यहाँ पे, ये वाली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। और मैं इस पे एक पॉइंट पी मान रहा हूँ, सपोज पी इज एक्स वाई जेड, पी इज एक्स वाई जेड, तो मैं अगर यहाँ ओरिजिन से एक वेक्टर देखूँ इसका, आर वेक्टर इस पॉइंट का, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर को, वो आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सिंपल है ये तो, होगा ये तो हमें पता है, मालूम है, अच्छे से पढ़ के आए हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये मान लिया हमने। अब देखो इसका फिजिकल मीनिंग जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन मानी है फाई इक्वल्स टू सी, कोई भी एक इक्वेशन है किसी एक प्लेन की। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, जैसे हम ये लिख रहे हैं फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। अब देखिए इसमें जो ये वेरिएबल्स हैं एक्स, ये वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, ये भी किस पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे वेरिएबल टी पे डिपेंडेंट है ये भी। तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं करके पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास ये चीज है डेल फाई, इसको लिखेंगे हम डेल फाई बाय डेल एक्स, फिर डेल डी एक्स का लिखेंगे डी एक्स बाय डी टी, प्लस डेल फाई बाय डेल वाई, फिर लिखेंगे हम डी वाई बाय डी टी, फिर डेल फाई बाय डेल जेड, फिर लिखेंगे हम डी जेड बाई डी टी। और इधर हमारा कॉन्स्टेंट था, ये क्या था, एक दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो होता है, ये तो पता है हमें अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको लिखता हूँ डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप, डेल फाई बाय डेल जेड के कैप, मैंने लिखा इसको, डॉट प्रोडक्ट करा मैंने, डी वाई बाय डी एक्स आई कैप डी टी, सॉरी डी, सॉरी ये एक्स है यहाँ पे एक्स, डी वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप और इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो एक्सप्रेशन हमें थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, अभी लास्ट स्लाइड में देखा था हमने, ये क्या है, दिस इज डेल फाई डॉट प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से डी बाई डी टी को बाहर कॉमन ले लूँ, एक जनरल वे में बोल रहा हूँ, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल्स टू जीरो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कंसिडरेशन में डाला था, जब हमने वो ग्राफ बनाया, वो फिगर बनाई थी, हमने इसको क्या माना था। तो देखिए अब हमारा एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा डेल फाई डॉट डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आपको दो चीज़ें, ये भी वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, जो मैं ये बोल रहा हूँ ना डी आर बाई डी टी, ये एक वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट
वेक्टर। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, ये आपको इस फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा अब देखिए, जैसे हमारे पास ये फिगर है, ये एक तरह से मान लीजिए ये जो ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये प्लेन है। जो मैंने प्लेन की इक्वेशन मानी थी ना, एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये वो वाला प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन पे ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इस पॉइंट को जो टच करते हुए लाइन निकलेगी ना, ये जो ब्लैक वाली लाइन निकल रही है यहाँ से टच करते हुए, इसको, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है। सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए और कुछ नहीं, ये इसका टेंजेंट है। और ये जो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, इसको मान लीजिए ये है डेल फाई जो हमने निकाला है। तो ये क्या है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द टेंजेंट और टू द प्लेन, और टू द प्लेन और कर्व जो भी हम ले रहे हैं ये फाई। ठीक है ना, इससे अच्छे समझ में आ गया। देखो ये क्या है, ये टेंजेंट है, और ये क्या है, ये वाली जो चीज़ आ रही है, ये है डेल फाई जो हमने निकाला है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो हम लिख रहे थे वो लिख लेते हैं वापस। अब ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी जो हमें जो इसका फिजिकल मीनिंग होगा, इस ग्रेडियंट का जो हम फिजिकल मीनिंग चाह रहे थे, वो क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द टेंजेंट ऑफ द प्लेन, टू द टेंजेंट ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस यही देखो, फिजिकल मीनिंग जब हम समझ लेंगे ना इसका, तो हमें पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि वो है क्या। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, उसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो एक चीज़ लास्ट देख लीजिए, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो हमने हमें ये पता लग गया है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब मान लो हमारे पास एक कोई वेक्टर है डी वेक्टर। अब जब भी तुम्हारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात होगी ना, तो वो हमेशा किसी एक दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में होगी, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर डी वेक्टर, कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसकी, इस डी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। इस तरह से ही बात होगी हमेशा जब भी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है कॉम्पोनेंट, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ डेल फाई अलोंग डी वेक्टर। अब अलोंग डी वेक्टर, अलोंग डी वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ डेल फाई अलोंग डी वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं दो वेक्टर लेता हूँ, ये भी वेक्टर है डेल फाई, मैं इस वेक्टर को मान रहा हूँ, और डी वेक्टर में इसको मान रहा हूँ। तो कॉम्पोनेंट ऑफ डेल फाई का मतलब है कि जो ये वाला कॉम्पोनेंट है ना डेल फाई का, ये डेल फाई कॉस थीटा ये होगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्पोनेंट ऑफ डेल फाई अलॉन्ग डी वेक्टर। तो यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, डेल फाई डॉट डी कैप। डी कैप क्या है, डी कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखो हमने ये दो टॉपिक्स पढ़े हैं, और ये दोनों ही टॉपिक, एक तो हमने पढ़ा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाई जिसको हम डेल फाई लिख रहे हैं, तो ये और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग के टॉपिक है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, तो फर्स्ट सेम में आपके पास यही टॉपिक्स स्टार्टिंग में आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, क्योंकि इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इस चीज़ का हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हमें काम आनी ही है, चीज़ें काम आनी ही है हमेशा चीज़ें ये वाली। ठीक है ना, तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, ओके बाय।